तो दोस्तों 12 तारीख काफी करीब आ चुका है। आज से 3 दिन बाद टाइगर का पार्ट 3 जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो अब अपने पिक पर आ चुका है मेरे भाई। यानी कि भैया 4 दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं टाइगर के पार्ट 3 के एडवांस बुकिंग को शुरू हुए, तो भैया 4थे दिन के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन के लिए अभी तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है पूरे इंडिया से, और उसके साथ भी अब्रॉड में इस फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स है एडवांस बुकिंग के मामले में, ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि आज टाइगर के पार्ट 3 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट हम लोगों के सामने आया है कि भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा इस फिल्म का एक बार फिर से सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लिया गया है, क्योंकि भैया इस फिल्म के लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो गया है। यानी कि भाई 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास इस फिल्म के लेंथ को बढ़ाया गया है। तो भाई ये लेंथ क्या है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है। कोई कह रहा है कि भैया ऋतिक रोशन अब इस फिल्म में नजर आएंगे, और भाई मैं तो इस फिल्म को लेकर अब ये दावा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ क्योंकि भैया मुझे भी अपने सूत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है कि भैया इसी फिल्म में आपको जूनियर NTR का हल्का फुल्का लुक देखने को मिलेगा। और कैसे इस फिल्म में चुनौती देंगे भैया जूनियर NTR वॉर के पार्ट 2 के लिए, भाई टाइगर खान, सलमान खान, पठान खान, शाहरुख खान और उसके बाद कबीर यानी के भाई ऋतिक रोशन को। तो दोस्तों ये खबर तो आज काफ़ी हॉट है और भैया इस पर अभी से ही चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन भाई खबरों का बाजार इस बात को भी लेकर गर्म है कि भाई इस फिल्म को लेकर पहले तो बस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा था, लेकिन भैया इस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है उसको देखने के बाद भैया चिंताएँ बढ़ गई हैं बॉक्स ऑफिस के मालिकों की कि भैया इस फिल्म को क्यों नहीं मिल पा रहा है वैसा रिस्पॉन्स जैसा कि भाई पठान को मिला था। यानी कि भाई टाइगर के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया से टिकट बिके ना मेरे भाई उसकी संख्या है 3,12,570, जिसके माध्यम से इस फिल्म ने 8,39,23,601 का एडवांस बुकिंग हासिल कर लिया है। उसके बाद हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 7,108, जिसकी मदद से इस फिल्म ने 43 करोड़ यानी कि 43,59,140 का एडवांस बुकिंग हिंदी IMAX 2D वर्जन के माध्यम से हासिल किया है। देन उसके बाद हिंदी 4DX वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 1,473, जिसकी मदद से इस फिल्म को इस वर्जन में 8,82,740 का एडवांस बुकिंग मिला है। देन उसके बाद भी हिंदी ICE वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक जो टिकट बिके हैं पूरे इंडिया में उसकी संख्या है 89, जिसकी मदद से इस फिल्म को 55,900 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है। देन उसके बाद भैया तेलुगु 2D वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 7,698, जिसके मदद से इस फिल्म को 9,46,115 का एडवांस बुकिंग मिला है तेलुगु 2D वर्जन में। यानी भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से अभी तक जो एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 9,16,74,096 का, कितने टिकटों को बेचने के बाद, तो भाई 3,28,938 टिकटों को बेचने के बाद। यानी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म के शो में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि भैया इस फिल्म की पकड़ तो नो डाउट बॉक्स ऑफिस पर दिखती नजर आ रही है भैया बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को, इसी वजह से इस फिल्म का जो शो है एडवांस बुकिंग के लिए वो बढ़ाकर कर दिया गया है 11,336। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि भैया इस फिल्म को अभी तक एब्रॉड से कितने का कलेक्शन मिला है, तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि USA और कनाडा से इस फिल्म को तो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है, उसकी संख्या है $1,40,000 का। देन उसके बाद भैया UAE और मिडिल ईस्ट से इस फिल्म को जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है $1,10,000 का। देन उसके बाद भी UK से इस फिल्म को जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिला है उसकी संख्या है $65,000 का। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ओवरसीज से इस फिल्म को जो अब तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है उसकी संख्या है $4,10,000 का। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 3,40,00,000 रुपीज़ का बिजनेस इस फिल्म को एब्रॉड से मिल रहा है भाई रविवार के लिए।
तो भाई इस फिल्म को इतना कम कलेक्शन क्यों मिल रहा है? तो भैया इसको लेकर खबरों का बाजार अब इस बात को लेकर गर्म हो गया है, जो कि भैया मैंने पहले ही आप लोगों से कही थी कि भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट चुना गया है ना इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, वो बहुत ही गलत रिलीज डेट था मेरे भाई। यानी कि अगर एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई दीपावली के दिन इस फिल्म को देखने के लिए कौन जनता सिनेमा घरों में आएगी? और भाई ये बात तो हम सब जानते हैं कि भैया दबंग खान का जो फैन बेस है वो भाई सिंगल स्क्रीन में बहुत ही स्ट्रांग है। और भाई सिंगल स्क्रीन की अगर हम लोग बात करें, छोटे शहरों की बात करें, तो भाई सिंगल स्क्रीन पर तो मैं आप लोगों को गारंटी से ये बात कह देता हूँ कि भाई शायद ही 2 बजे के बाद से जितने भी शो होंगे इस फिल्म के भैया छोटे छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन्स में, भैया वहाँ पर जनता इस फिल्म को देखने के लिए नहीं पहुँचेगी। ये बात आप लिखवा लो। और इसी वजह से इस फिल्म को वैसा ओपनिंग नहीं मिल पा रहा है जैसा कि भैया ये फिल्म डिजर्व कर रही थी। मैं ये बात आप लोग को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि अगर ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होती इसी हफ्ते के शुक्रवार को, तो भाई आप ये बात लिखवा लो, ये फिल्म बहुत ही आसानी से 60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करके दिखा दी। लेकिन अब ये फिल्म अगर दीपावली को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और भाई उस दिन के लिए इस फिल्म को इतने का एडवांस बुकिंग मिल रहा है कई सारे स्क्रीन के माध्यम से, तो भाई आप समझ लो कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है इस फिल्म के बिजनेस के लिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी भूल हो गई है इस फिल्म के मेकरों से, जो कि भैया उनको नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उनको किसने ये सजेशन दिया, किसने ये बुद्धि दिया कि भैया दीपावली के दिन इस फिल्म को रिलीज़ कर दो सिनेमाघरों में। तो दोस्तों झटका है दबंग खान के लिए, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई ये फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हो तो भैया इस फिल्म को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिले, और भाई ये फिल्म वाकई में उस पोटेंशियल के साथ सिनेमाघरों में आ रही है जिसको ज़बरदस्त बिजनेस करना चाहिए। और इस फिल्म से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया इस फिल्म को कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।